Whenever we want to evaluate different classifiers, there are several mechanisms. अभी जो different mechanisms हैं या जो अभी तक हमने discuss किए हैं, they are all based on numerical values. अब क्या उनकी कोई ऐसी measure है जो graphical display दे? Answer is ROC curves. अभी जो ROC curves हैं, इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि what is the meaning of ROC? R stands for receiver, O stands for operating, and C means characteristics. तो अब ये क्या करनी है, रिसीवर ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये बेसिकली कंबिनेशन है हमारे ट्रू पॉजिटिव रेट का और फॉल्स पॉजिटिव रेट का. अब इसमें होता क्या है कि हम ग्राफिकली डिस्प्ले करेंगे अपने मॉडल्स के रिजल्ट को, और हम अपने एक्स कोऑर्डिनेट पे फॉल्स पॉजिटिव रेट को लेंगे और वाई कोऑर्डिनेट पे ट्रू पॉजिटिव रेट को लेंगे, और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को बताएंगे. और जो हमारी डायगनल की लाइन होगी जो ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट के दरमियान होगी, वो हमारी इनिशियल गेसिंग होगी, जिससे ऊपर की तरफ हमने मूव करना है तो वो हमारे अच्छे रिजल्ट की तरफ वैल्यूज आएंगी. अब व्हाट इज ट्रू पॉजिटिव रेट एंड व्हाट इज फॉल्स पॉजिटिव रेट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ट्रू पॉजिटिव रेट जो है वो हमें वैसे ऐसे टप्पस देता है दैट आर करेक्टली लेबल्ड बाय आवर मॉडल. और फॉल्स पॉजिटिव रेट कौन सा होता है, वो फॉल्स पॉजिटिव रेट इज द प्रोपोर्शन ऑफ नेगेटिव टप्पस दैट आर मिसलेबल्ड एज पॉजिटिव. यानी कि ऐसे टप्पस जो होते नेगेटिव हैं, जिनका आंसर ना आना चाहिए, लेकिन हमारा सिस्टम उन्हें हाँ कह रहा होता है. तो इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है, यानी ट्रू पॉजिटिव रेट वो प्रोपोर्शन जो ट्रू था और ट्रू आया, फॉल्स पॉजिटिव रेट जो फॉल्स था लेकिन ट्रू आ गया. अब इसको एक एग्जांपल की मदद से हम देखते हैं. अच्छा, अब एग्जांपल हमने जो चूज की है वो क्या है, वो ये है कि लेट्स से कि हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टपल्स हैं, लेट्स से टपल 1 से लेकर 10 तक, और उनके अगेंस्ट क्लासेस दी गई हैं जो आइदर पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, और फिर प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं. प्रोबेबिलिटीज कैसे दी गई हैं, यानी कि जो सबसे ऊपर प्रोबेबिलिटी दी गई है वो पॉजिटिव की है और जो सबसे नीचे है वो नेगेटिव की है, और इनके अगेंस्ट पे ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव ये दिए हुए. अच्छा, अब क्या हुआ, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट जो है वो कैसे बनता है, वो कम्बिनेशन ऑफ दीज वैल्यूज बनता है. ये चार वो वैल्यूज हैं जो हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में मौजूद हैं, इनको यूज करते हुए हम टीपीआर और एफपीआर, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट कैलकुलेट करते हैं. ये बेसिकली अगेन एग्जांपल जो है ये आपकी बुक से ली गई है, और आप प्रैक्टिस के तौर पे डिफरेंट इस तरह की एग्जांपल्स बुक में भी मौजूद हैं, इंटरनेट के सोर्सेज में है, असाइनमेंट में भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे. तो ये आपने इनको फिगर आउट करना है कि कैसे टीपी एफपी टीएन एफएन को कन्वर्ट किया जाता है ट्रू पॉजिटिव रेट में या फॉल्स पॉजिटिव रेट में. हिंट इसका यह है कि मैं प्रीवियस स्लाइड में इनके फार्मूलाज डिस्कस कर चुका हूं, प्लस आप लोग इंटरनेट पर सर्च करें, विकिपीडिया पेजेस मौजूद हैं जिनमें इनके प्रॉपर फार्मूलाज मौजूद हैं, उन फार्मूलाज को आप इंप्लीमेंट करें आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ये वैल्यूज कैलकुलेट करके दे देते हैं. अच्छा, अब इस जगह पर हमारा मकसद जो है वो वैल्यूज कैलकुलेट करना नहीं बल्कि इनको यूज करना. नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, वो ये करना है कि आपने बनाने ग्राफ. आपके पास जो ट्रू पॉजिटिव रेट का कॉलम था वो ये वाला, और फॉल्स पॉजिटिव रेट का कॉलम ये वाला. अब हमेशा क्योंकि ये रेट है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान होगी, इसकी वैल्यू भी 0 और 1 के दरमियान होगी. अब आपने जो पिछला टेबल है वहां से वैल्यूज को उठाना है और उनको ड्रा करना है. जैसे लेट से पहली वैल्यू ये वाली है हमारे पास, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, और इनको फिर आपने ड्रॉ करना. अब क्या होगा कि अगर आपका डाटा बेहतरीन ट्रेंड है, अच्छा ट्रेंड है, या आपका मॉडल बेहतर रिजल्ट दे रहा है, तो आपकी जो वैल्यूज है वो इस लाइन से ऊपर ही आएगी हमेशा, जो ये डायगनल लाइन है इससे ऊपर की तरफ हमारी वैल्यूज आएंगी. तो इसको बेसिकली होगा क्या कि जो ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व है, ये वाला जो एरिया है हमारे पास, ये जो है ये वाली चीज सारी की सारी, ये हमारी बताती है कि हमारे एक्यूरेसी क्या है मॉडल की. तो जितना ज्यादा ये डायगनल से दूर होगा उतना बेहतर, एक्यूरेटली हम कहेंगे कि ये बेहतर है. अगर ये डायगनल के करीब है वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि हमारा रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं है. तो आरओसी कर्व्स बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट, एंड दे आर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट, जिसको एक चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में हम डिस्प्ले करवाते हैं. दैट इज कॉल्ड रिसीवर ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स कर्व्स.